हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक परफॉर्मेंस मोड अपनी बाइक में कराने जा रहे हैं जो कि मच नीडेड था अप्रिलिया के लिए स्पेशली। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि वो मच नीडेड था। टाइटल और थंबनेल से तुम समझ ही गए होगे हम क्या कराने वाले हैं आज। तो मौसम बाहर का देखा तो बहुत ज़्यादा बारिश वाला हो रहा है एंड बिल्कुल ब्लैक हो रखा है स्काई। तो देखते बारिश वारिश ना है बीच में, तो अभी निकल रहे थोड़ी देर में अप्रिलिया लेके अपनी। एंड हम जा रहे हैं ओखला वाले शोरूम जहाँ पे हम पहले गए थे। जो हमें एसेसरी लगवानी है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो लेट्स गो, चलते नीचे बाइक को कोल्ड स्टार्ट देते हैं एंड बाकी बातें करेंगे हम आज GoPro पे। दोस्तों मौसम कुछ ज़्यादा खराब हो रहा है, तो अभी पता नहीं है कन्फर्म हम निकलेंगे या नहीं। तो अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है हम निकलेंगे या नहीं, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो फिर तो देखो जाने का फ़ायदा नहीं है, भीगते हुए तो नहीं जाएंगे। तो देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि बारिश ना हो। अगर थोड़ा मौसम खुलता है मैं तभी निकलूँगा एंड तभी आज हमारा काम हो पाएगा। तो दोस्तों हमारे निकलने से पहले बारिश शुरू हो गई है। मस्त लग रही है ना, वैसे तो मज़ा आ रहा है। तो अभी बारिश रुकेगी एंड उसके बाद हम निकलेंगे, ऐसे वाला सीन है अभी के लिए। Here we are and देते कोल्ड स्टार्ट। आज एक बहुत मोटा खर्चा करने जा रहे हैं हम, जो कि मस्ट नीडेड है यार। देखो अप्रिलिया के लिए मैं तो सही बोलूँगा। तो एक बार बाहर चलते हैं एंड बाहर हो रही है बारिश, तो मैं थोड़ा आज फन कराते हैं। रेन राइड होने वाली है। बारिश अभी तो रुक चुकी है, हल्की हल्की बीच में आई तो देखेंगे। अभी कोल्ड है, होने दो उसको गर्म। 34 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है एंड जो बाहर का टेम्परेचर है इट्स 28 डिग्री सेल्सियस। सब बताती है भाई ये बाइक। ये हमारी बाइक हो गई घर से निकलती गंदी, इतनी ज़्यादा साफ़ कर रखी है जो। ठीक है भाई ठीक है, आज तो पूरी गंदी होनी है। पर वो काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज कराना, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चुल जो बहुत ज़्यादा है। एंड हमारे साथ में आज जा रहे कनिष भाई भी। मौसम बहुत प्यारा है, बारिश अभी अभी रुकी है एंड इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है ना, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है राइड करने में। रेन राइड सबसे बेस्ट होती है भाई, मेरे को बड़ा मज़ा आता है बारिश में राइड करने में। तो गाइज़ आज क्या सीन है, आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक में एक एसेसरी लगवाने जो कि अप्रिलिया की तरफ से आती है। एंड गेस करो वो क्या हो सकती है, कमेंट करके मेरे को बताना। बहुत सारी चीज़ें आती है। TPMS है जो कि 30,000 रुपये का है एंड एक क्विक शिफ्टर लगता है वो भी 30,000 रुपये का है। एक चार्जिंग पोर्ट है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग के लिए भी लग जाता है, वो 800-900 रुपये का है। तो गेस करके बताना आज हम क्या लगवा रहे हैं। वैसे तुम्हें थंबनेल वगैरह से पता चल ही गया होगा। आज हम जा रहे हैं बाइक में क्विक शिफ्टर लगवाने जो कि अप्रिलिया की तरफ से ही आता है एंड वो अराउंड 30,000 कॉस्ट करता है। तो देखेंगे कितना टोटल बिल बैठेगा, सारी चीज़ें तो मैं दिखाऊँगा एंड में। आज वो लगवा रहे हैं क्योंकि अप्रिलिया की गेयरिंग है ना, मेरे को समझ नहीं आई। फर्स्ट सर्विस हो गई है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। शिफ्टिंग में इतना ज़्यादा फन नहीं दे रही है मेरे को ये बाइक। बहुत आवाज़ आती है अभी जब भी शिफ्ट करता हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा पीछे हटाने के लिए। एंड तुम देखो यार, इतनी तेज़ बाइक है, रेस बाइक शिट है ये हमारी। तो क्विक शिफ्टर तो बहुत ज़रूरी है एंड उसमें क्या होने वाला है, क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लिपर दोनों चीज़ें मिलने वाली है हमें। तो ठीक है, वर्थ इट है मेरे हिसाब से तो कराना। ओखला वाले सर्विस सेंटर जहाँ पर हमने सर्विस कराई थी, सेम उसी जगह पर हम लोग जा रहे हैं वापस। तो बेसिकली होता क्या है क्विक शिफ्टर, पहले तो मैं एक बार एक चीज़ बता देता हूँ जो कि हम कहते हैं रेव मैचिंग। अभी देखो मैं थर्ड गियर में हूँ एंड मैंने शिफ्ट किया बिना क्लच के, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अब मैं डाउन भी ऐसे ही करूँगा, ये देखो, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, विदाउट एनी जर्क। एंड तो इसका ऐसा सीन होता है कि ये चीज़ अभी मैं बिना क्विक शिफ्टर के कर रहा हूँ, जिसको हम रेव मैचिंग कहते हैं। एंड हेयर इज़ आवर GT 650 जो कि कुछ लोगों को लग रहा था सोल्ड आउट हो गया, बट अभी नहीं हुई है, पर वो अभी सेल के लिए है। किसी को चाहिए तो मेरे को बता सकते हैं DM करके इंस्टा पे। हाँ तो हम कहाँ थे, मैं करता हूँ रेव मैचिंग अभी के लिए। एंड जो रेव मैचिंग होती है उसमें मैं थ्रोटल भी छोड़ना पड़ता है, पावर भी कट करनी पड़ती है। जब कोई शिफ्टर लग जाएगा गैस ऑन रखना है एंड क्लच भी शिफ्ट नहीं करना है एंड अप और डाउन दोनों चीज़ करनी है। जब भी अप कर रहे हो तो गैस ऑन रखना है, जब भी डाउन कर रहे हो तो गैस छोड़ देना है, मतलब थ्रोटल छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा वाला सीन रहता है। तभी जब वो लग जाएगा तो मैं पूरा एक डेमो करके दिखाऊँगा। अभी के लिए इतनी बात समझ लो। एंड बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है, पूरा तो मैं प्रोसेस भी दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे लगना है अपनी अप्रिलिया में क्विक शिफ्टर। रेन राइड बहुत मज़ेदार होती है, अप्रिलिया की पहली रेन राइड है एंड मेरे को लिटरली मज़ा आ रहा है। एंड थोड़ा फ्लेक्स कर लेते हैं, अभी हमने बाइक भी रेन मोड पर डाली हुई है। वी आर एट अप्रिलिया, ये शोरूम का बैक पार्ट है एंड चलो लेट्स गो। अब चलते हैं अंदर एंड तुम्हें आगे का प्रोसेस बताता हूँ जो भी होगा। सो गाइस हियर इट इज एंड बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। बाकी जो भी सारा सीन रहने वाला है इस वीडियो में तो मैं बताने वाला हूँ, जो भी इंस्टॉलेशन होने वाली है सारी दिखाने वाला हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि क्विक शिफ्टर है वो 30,000 का है ऑन मार्केट, अभी तुम्हें पता होगा, मतलब जितने भी अप्रिलिया ऑनर्स है। बट अगर तुम देखोगे जाके तो यहाँ पे भवानी मोटर्स अगर तुम आओगे तो तुम्हें क्विक शिफ्टर मिलने वाला है 20,850 रुपये के अंदर विद इंस्टॉलेशन, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है। तो 10,000 का डिस्काउंट है एक तरह से। तो मेक श्योर अगर तुम्हें लगवाना है यहाँ पे आके लगवा सकते हो एंड 20,000 का तुम्हें क्विक शिफ्टर मिल जाने वाला है। तो गाइस एज यू कैन सी क्विक शिफ्टर अप डाउन 20,500। तो ये है कुछ अभी इंस्टॉल होगा अपनी बाइक में पूरा, तो मैं दिखाता हूँ प्रोसेस इसका। ये छोटी सी चीज़ कितने की है गणेश भाई? 20,000 की भाई। पर एक बात है, ये वो आपने देखेंगे इसकी आगे वाले ऑटो चलते उसको भी लगेगा ऑटो में तो प्यागो करके जो उसके ऑटो भी आता है, तो इसमें इसकी स्कूटी भी आती है, स्कूटी में भी लगता है, स्कूटी में सब चीज़ में लगवा सकते हो तुम इसे। 30,000 रुपये होने चाहिए आपके पास, बस 30,000 रुपये जेब में हो, मजे ही मजे। बट अभी ये मैंने जैसा तुम्हें बताया ये 20,800 कुछ का पड़ेगा विद लेबर तुम्हें, अगर तुम यहाँ पर आके कराते हो तो। तुम्हें दिखा देगा इसके अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। एक ही मिलेगी तार और स्क्रू 30,000 रुपये की, ये एक तार और मेन देखो ये है जो भी है डिवाइस पूरा, एंड ये एक रोड है जो तुम्हारी गेयरिंग वाली रोड होती है वो भी चेंज होगी पूरी, एंड ये रहा जो कि मेन डिवाइस। तो चलो इसको इंस्टॉल कराते हैं अपनी बाइक में, अभी बाइक ऊपर लगेगी। तो हेयर इट इज़, काम शुरू हो गया है। सबसे पहले जो इसका शाफ्ट है ये मेन वाली जो गेयर लीवर है हमारा वो चेंज होगा, एक छोटा सा सेंसर है बस। तो मेन जो है ये वाला डिवाइस है देखो, एंड जो ये वाला वायर है अंदर जाके ईसीयू से कनेक्ट हो जाने वाला है। ओके तो ये वाला जो मतलब कपलर है इसके अंदर वो वाला हमारा शिफ्टर वाला कपलर लग जाएगा। बेसिक कुछ नहीं है, फिटिंग मतलब सारी चीज़ें पहले से दी हुई है। एंड ये शिफ्टर का हमारा तार आ गया, एंड ये इसके अंदर लग जाएगा, ईजी पीजी। कैस्ट्रोल का स्टीकर, हाँ, इंजन लुब्रिकेटेड बाय कैस्ट्रोल। अभी बस ये लैपटॉप से कनेक्ट होगा एंड पूरा काम डन। ट्यूनिंग इस टाइम पे हम अपनी बाइक के दिमाग में ही फीड कर रहे हैं कि तेरे को हम क्लच बिना क्लच दबाए गियर डाल देंगे। डन। As you can see जो ये वाला साइन है ये क्विक शिफ्टर का अपना आ चुका है, एंड ट्यूनिंग डन। तो गाइस हियर इट इज़, ये रहा हमारा बिल, असेंबली क्विक शिफ्टर एंड क्विक शिफ्टर अप एंड डाउन। तो ये टोटल बैठा है हमारा 20,854 रुपये का। अभी थोड़ा सा ना तुम्हें चला के दिखाने वाला है क्विक शिफ्टर काम कैसे करता है एंड चल कैसा रहा है एक्चुअल में इस बाइक में। काम हमारा हो चुका है, बिल मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, एंड एक बार मैं एक फ़ोटो भी अटैच कर दूंगा बिल का कि तुम्हें थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो गाइज़ क्विक शिफ्टर तो लग गया था, बट अभी तुम्हें एक छोटा सा रिव्यू दूंगा मैं उसका कैसे चल रहा है। एंड बीच में फ्यू में दिख गया, थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग कर ली, उधर भी एक जूते ले लिए इधर भी एक जूते ले लिए, पता नहीं क्या हो रहा है। घर से निकल रहे हैं हम दोनों और खर्चा किए जा रहे हैं, बस यही चल रहा है आजकल। हमारा रेंट मांग लो यूट्यूब से, YouTube मनी ब्रदर, YouTube मनी कहीं नहीं आ रही भाई। ठीक है पर अभी इसको रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस क्विक शिफ्टर इज़ यूज फॉर अप शिफ्ट एंड डाउन शिफ्ट बिना क्लच दबाए। ठीक है ना, हमें थ्रोटल छोड़ना है ना ही मतलब कुछ करना है, ना थ्रोटल छोड़ना है ना क्लच दबाना है। अभी हम थर्ड गियर में, थ्रोटल छोड़ा नहीं है। चलो RPM मीटर पे लगा देते हैं इसको। तो हियर इट इज़ शिफ्ट 4th 5th 6th। ठीक है अभी इसमें ऑटो ब्लेवर भी है, अभी मैं थ्रोटल छोड़ूंगा एंड आई विल डू 5th 4th गियर 5th गियर 4th 3rd 2nd। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब अप एंड डाउन गियर हम बिना क्लच के कर सकते हैं। मेन काम यही होता है क्विक शिफ्टर और ऑटो ब्लेवर का, एंड ये चीज़ सबसे बेस्ट है यार बाइक में, मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मेन मेरा गोल यही लगवाना था। एक और चीज़ डाउट क्लियर कर देता हूँ, अप्रिलिया में क्या सीन था, शुरू में जब एक रेट लिस्ट आई थी पूरी इसकी, तो उसमें बताया गया था कि क्विक शिफ्टर कॉस्ट अराउंड 27 से 28K एंड लेबर अलग से लगेगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। क्विक शिफ्टर यहाँ पे तुम्हें मिल जाने वाला है 20,500। अभी हर जगह शायद इतना ही प्राइस है इसका, इन फ्यूचर इसके प्राइस बढ़ जाने वाले हैं। अगर आपको लगवाना है, प्लान कर रहे हो तो जल्दी कर लो, अभी से लगवा लो तो ज़्यादा सही है। अभी जो ये वाला प्यूमा वाला पैकेट है इसको रखना पड़ेगा बीच में। यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। अब ये एक प्रॉपर बाइक बनी है, क्योंकि यार पहले क्या हो रहा था, मेरे को आदत है बहुत स्मूथ गियर शिफ्टिंग की, एंड इस बाइक में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब बिल्कुल भी गियर स्मूथ शिफ्ट नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा जर्क आ रहा था एंड लोड पड़ रहा था गियर शिफ्ट करने में। बट अब इट्स बटरी स्मूथ एंड सोचना भी नहीं यार शिफ्ट करने से पहले, अभी बाइक का एवरेज भी बढ़ जाने वाला है, तो अभी सारी चीज़ एकदम परफेक्ट हो जाने वाली है बाइक में, मज़ा आएगा। तो आने वाली आगे वीडियोज़ में अब तो रहेगा परमानेंट, और चीज़ें तो मैं इसके बेनिफिट्स जो है वो धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा बाकी आने वाली वीडियोस में। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अभी तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड मैंने कोई शिफ्टर कहाँ से लगवाया, भवानी मोटर, उनका जो गूगल मैप नेविगेशन है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले है, वहाँ से तुम जाके भैया से बात कर सकते हो। भैया का नंबर भी मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर तुम जाके बात कर सकते हो हर चीज़ के बारे में। 20,853 रुपीज़ अप्रोक्स मेरे को पड़ा है इसका, तो काफ़ी सही प्राइस में मेरे को अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों मिल जाते हैं, मतलब मैं अप भी कर सकता हूँ बिना क्लच दबाए एंड डाउन भी, तो मेरे को बेस्ट चीज़ लगी। तो चलो अभी तो शाम के 5:33 हो रहे हैं एंड ऑफिस टाइमिंग है तो जाम बहुत मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब तो ट्रैफिक में घर जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ गाइस, स्टे सेफ, एंजॉय।